फिरोजाबाद लोकसभा सीट हमेशा से ही चूड़ी उद्योग के लिए मशहूर है। यहाँ के सांसद हैं अक्षय यादव। 5 साल में अक्षय यादव ने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किया है हम जानेंगे अक्षय यादव से, साथ ही हम जनता से भी जानेंगे कि क्या वो अक्षय यादव के कार्य से खुश है या नहीं। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा सीट उन सीटों में शुमार है जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि फिरोजाबाद सीट से जहां एक ओर मौजूदा सांसद अक्षय यादव गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर दूसरी बार मैदान में हैं, तो उनके चाचा शिवपाल यादव भी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी जीत के लिए जोर लगा रही है। हालांकि अक्षय यादव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। उन्हें विश्वास है कि पिछले 5 सालों में हुए काम के आधार पर जनता उन्हें एक बार फिर चुनकर संसद भेजने का काम करेगी। दावा है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने तमाम विकास परियोजनाओं की शुरुआत करवाई है, पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का भी काम किया है। 5 साल 5 सवाल में आज हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट की, जहां के सांसद हैं अक्षय यादव। 5 साल में उन्होंने क्या कार्य किया है उनसे ही जानते हैं। 5 साल में पूरे अपने क्षेत्र में क्या क्या आपकी उपलब्धियां रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो फिरोजाबाद जिले में उपलब्धि हम लोगों की जेड़ा झाल योजना, जिससे नहर खोदकर, बम्बे खोदकर, मोटी पाइपलाइन बिछाकर, रिजर्वे बनाकर, फिर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी ले जाके उसे साफ कर छोटी पाइपलाइनों से टंकियां बनवाने के बाद घरों में पानी पहुंचाने का काम हम लोगों ने करा है। 20 क्यूसेक पानी हम लोग दे रहे हैं फिरोजाबाद शहर में। ये सबसे बड़ा काम था, लगभग 700 करोड़ का, जो इस जिले में करा हम लोगों ने। उसके बाद शहर के लिए नगर पालिका से नगर निगम उसकी ग्रांट बढ़वाना ने। उसके बाद शहर के लिए नगर पालिका से नगर निगम उसकी ग्रांट बढ़वाना, मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, महिला अस्पताल, ये बड़े बड़े काम थे। इसके अलावा जितने भी शहर हैं, नगर पालिकाएं रहीं, उन समस्त नगर पालिकाओं की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी अखिलेश भैया ने, कि सभी नगर पालिकाओं में समस्त सड़कें, जल निकासी और पीने के पानी की व्यवस्था हेतु जितना रुपया चाहिए था वो इस फिरोजाबाद में हर नगर पालिका में देने का काम करा। उसके बाद मुख्यमंत्री घोषणा के द्वारा जितनी भी बड़ी सड़कें थी इस शहर में वो सारी बनवाने का काम करा गया है। और लगातार जनेश्वर मिश्रा गांव, लोहिया गांव उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फिरोजाबाद के अंदर हुए हैं, तो कहाँ और 1700 गांव में बिजली पहुंचाने का भी काम हम लोगों ने करा यहाँ पर। मैं ये कहूंगा कि कुछ एक जगह है जहां पे पानी की किल्लत को लेकर के अभी भी लोग सवाल उठा रहे हैं, वहां क्या कोई परियोजनाएं आप लोग लेकर के आए हुए हैं? दूसरी बात एक और चीज है कि जो सांसद निधि होती है, सांसद निधि का आपने कितना अभी तक प्रयोग किया है? देखिये, मेरे पास जो एक वित्तीय वर्ष की निधि नहीं आई थी 5 करोड़ के लगभग, वो रह गई है। उसके अलावा सारा यूटिलाइजेशन हो चुका है। और 25 करोड़ में से आपका 20 करोड़ केवल आया था? हाँ, 20 करोड़ ही मेरे पास आ पाया था। थोड़ा सा इस साल सरकार के पास रुपया ही नहीं था, वो रिलीज ही नहीं कर पाई, जो निधि कभी रुकी ही नहीं थी। ये पहला मौका था कि सरकार सांसद निधि देने में असक्षम रही है, और ये भी सरकार की फेल होने की एक वजह है कि सरकार का जो ढांचा है वो खोखला होता चला जा रहा है। अंतिम सवाल आपसे यही पूछूंगा कि आपने कार्य से आप पूरा संतुष्ट हैं? जी, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इतना पैसा इस जिले में हम लोग लेकर आए जो अन्य सरकारें कभी नहीं लेकर आ पाई। कोई सांसद अगर यहाँ से बनता है, काम करेगा, तो 5 करोड़ रुपए 1 साल में लेकर आता, लेकिन अखिलेश भैया की एक दया दृष्टि इस जिले पर रही, जिसमें कम से कम 150 से 2000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हम लोग इस जिले के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर जिला पंचायत में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं, जिला पंचायत में अलग से पैकेज बनकर 60 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद के लिए दिया, जिससे जो कनेक्टिविटी थी गांव की वो कनेक्टिविटी बेटर हो सके। तो ये भी अपने आप में एक अलग काम रहा है फिरोजाबाद के लिए। एक सवाल और रह गया कि जब विकास के पैमाने की हम लोग बात करते हैं तो बिजली, सड़क, पानी, उसके बाद रोजगार, शिक्षा, इन सभी चीजों के बारे में भी देखा जाता है, चिकित्सा के बारे में देखा जाता है, क्या इन क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे हैं जिनको कि आपने टच किया है और अपने 5 साल में, और उनको बखूबी यदि कहा जाए तो अपने क्षेत्र में विकास किया? देखिये, सबसे बड़ा काम तो पानी का ही हुआ है इस शहर में, क्योंकि फिरोजाबाद शहर पलायन करने लग गया था, लोग वक्त छोड़कर जाने लगे थे।
आज 42 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है, लेकिन आज की तारीख में फिरोजाबाद शहर में पानी के लिए कोई शिकायत नहीं कर रहा है, कोई मटके फोड़ने का काम नहीं कर रहा है। नहीं तो हर बार मार्च के महीने में ही मटके फोड़ने चालू हो जाते और जाम लगने चालू हो जाते थे। तो सबसे बड़ा काम पानी का ही हम लोगों ने करा है। उसके बाद जो नगर निगम बनाया, जो 16 करोड़ गांड थी उसको हम लोगों ने 71 करोड़ करवाया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम लोगों ने फिरोजाबाद का विकास करने का काम करा है। फिरोजाबाद की जो पहचान होती है वो चूड़ी उद्योग से पहचान होती है इसकी। तो रोजगार के ही बारे में यदि बात किया जाए, क्योंकि ये फ्लरिश नहीं किया, फिर उसको मतलब जो एक था स्टैग्नेंट, तो उतने पे स्टैग्नेंट रहा नहीं, तो फिर उसके बाद ये नीचे भी जाता चला गया। सवाल भी कई बार उठाया गया कि जो प्रदूषण वगैरह की भी बातें यहाँ पे आती रही, आप लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि इसको पहचान सीधे तौर पर यदि कहा जाए तो फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योग से? बिल्कुल सही बात है, आपकी चूड़ी उद्योग से ही फिरोजाबाद का रोजगार चलता है, गरीब परिवार चलते हैं, और जितना भी मजदूर है वो सबसे ज्यादा चूड़ी के उद्योग से जुड़ा है। घर में बच्चे, महिलाएं, हर घर में यहाँ चूड़ी का काम होता है। लेकिन लगातार जो कीमतें चूड़ी बनाने के मटेरियल की बढ़ती चली जा रही है, उस वजह से चूड़ी का उद्योग घटता चला जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या, जब से जीएसटी लगी है, जितना भी सामान चूड़ी बनाने पर इस्तेमाल हो रहा है सब में जीएसटी लग रही है, लेकिन चूड़ी जब फाइनल बिकती है उस पर जीएसटी पास ऑन नहीं होती है, जीएसटी नहीं लगती हैंडीक्राफ्ट की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो सामान चूड़ी बनाने के लिए लग रहा है उस पर भी जीएसटी खत्म होनी चाहिए। उसके अलावा मजदूरों को जो पैसा मिलता है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सारा मजदूर ठेकेदारी में फंसा हुआ है। एक ठेकेदार रहता है, उसके अंडर काम कर रहा है, कोई भी नियमित तरीके से जो रजिस्टर फॉलो होने चाहिए वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीजें भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी। सांसद अक्षय यादव का दावा है कि फिरोजाबाद के तमाम क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को दूर करने का काम किया गया है। इसकी हकीकत जानने के लिए हमने शेखुपुर गाँव का रुख किया, लेकिन ग्रामीणों से बातचीत में जो बातें निकल कर सामने आई वो सांसद अक्षय यादव के दावों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। पांच साल पांच सवाल में हम लोग गांव शेखुपुर, फिरोजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत है ये, वहां पे पहुंचे, एक चौपाल बैठी है। यहां पे हम लोग जरा आम जनता से ये जरूर पूछेंगे और गांव वासियों से भी जरूर पूछेंगे कि क्या यहां पे विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, क्या यहां सांसद जी ने काम करवाया है कि नहीं करवाया। यहाँ अक्षय यादव यहाँ के सांसद हैं, ये गांववासी हैं, इनसे से पूछेंगे क्योंकि वो तो तमाम दावे कर रहे हैं लेकिन जनता से ही पूछना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? उजल सिंह। यहीं रहते हैं आप शेखुपुर में ही? नहीं, हम मैं मेरे रहता हूं। अच्छा, तो एक ही बात है वैसे। एक ही बात है। हाँ। तो ये बताइए कि गांव में विकास कार्य वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ भाई है, लेकिन ऐसा ही हुआ। क्या? अरे उस तरीके से हुआ जैसे है, अब लेटरिन न बनी, होते थी न बनी, एक विचार के लिए। क्या नाम है आपका? हीरा सिंह। ये मैं वही चीज पूछूंगा, इस गांव में कुछ विकास का कार्य हुआ है या कि कुछ नहीं? आज ही जगह ही बस आज ही जगह बैठने बैठने में तो ना मुड़ेगी, ना मुड़ेगी, का आई ना आई, मैं यहाँ तक ना आई। अच्छा, हाँ फिरोजाबाद जा रहा है पानी, वो तो शहर में गांव में नहीं। फिरोजाबाद जा रहा है, यहाँ थोड़ी आ रहा है, गांव में थोड़ी आ रहा है। गांव में कहीं रहा है? गांव में थोड़ी आ रहा है पानी। तो गांव में पानी की दिक्कत है? नहीं तो दिक्कत तो है, अब टंकी मंकी लगी है। अच्छा, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंगाली है। बंगाली, क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्या है? कोई पानी मतलब ऐसी दिक्कत है जो समरो से पानी खरीद लेती है बस, और कुछ किराए पे लेना पड़ता है पानी, 200 रुपए 150 रुपए महीना देना। हाँ, घर पे मतलब जो समरे लगी हुई, किसी की समर लगी है, किसी की नहीं लगी है, हर आदमी परेशान है, बस इतनी दूरी। अच्छा, तो क्या बाबा यहाँ वही चीज कर रहे हैं कि सड़क वगैरह, बिजली, सड़क, पानी सब यहाँ पे व्यवस्था है? यहाँ पे है तो है, पर ऐसी ही है, सभी लोग गुजर कर रहे हैं आदमी, और जब पैसा है वो पे लगवा ले तो है, और जब पैसा ना है तो वो का लगवा लियो। एक बात और, क्या नाम है आपका? मुकट सिंह। यही रहते हैं? हाँ, सिंह ऊपर रहता हूँ। मैं वही चीज पूछूंगा आपसे, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, ये सब चीज है यहाँ पे, हुआ है विकास? हुआ है, हुआ विकास तो हुआ, खरंजा का विकास हो गया, आरसीसी हो गई है, और पानी की तो व्यवस्था खराब है, वाटर बक्स होते हुए बगल में खराब है।
अच्छा सप्लाई नहीं है हमारे। तो सांसद जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो पानी का प्लांट लगवा दिया उन्होंने। प्लांट लगवा दिया, सप्लाई तो नहीं गांव के लिए दी है, शहर के लिए कर दी है सबरी। तो आप लोग बोले नहीं ये बात? कौन से बोले, सांसद जी का गांव में आते हैं तो बोले। मैं वही और लोगों से पूछूंगा मैं कि आखिर में क्या दिक्कतें यहाँ पे लोगों को आती है। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, हाँ जी, क्या समस्याएं हैं क्या गांव में कुछ? हाँ समस्याएं, अभी तो गांव के पास में ये रोड है, यहाँ से आश्रम से लेके और पल्ले बाग तक टूटा फूटा है, यही स्थिति खराब है रोड की, के निकलने में जन लोगों को सबको समस्या आती है। मंडी समिति पर लोग जाते हैं सब्जी लेके, पटका खाते कीच में गिरते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप जाके सामने देख सकते हैं कि हाँ क्या परेशानी है हमारे गांव के लिए। अच्छा हाँ, ये सब चीजें इतनी दिक्कत है तो ये सांसद जी कौन है? सांसद जी कौन है? सांसद जी अक्षय कुमार जी है। अब यहाँ हमारा गांव इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए लोग उनके पास जा नहीं पाते हैं। वो भी लोग सभासद हो गए फिर कभी आते ही नहीं है, चिंता नहीं लेते नहीं है। कभी बात नहीं की आप लोगों से? क्या नाम है सर? मैं मुरारी नारायण मैं। अच्छा, गांव शेखुपुर से ही? शेखुपुर से। अच्छा, क्या रोड सड़क बिजली ये सब चीजें क्या? जी साहब, जनता जामे इतनी गिरती है सड़क पे कि बहुत ज्यादा है, और रात में हमने उठाए भी तो गाड़ी और देते साहब, विधानों को गाड़ी देते, हमू को देते हैं, पर कोई सुनाई नहीं है गली का न बा का सड़क को कोई ना। आप दरियापत कर लो साहब, पानी की दिक्कत है हमारे यहाँ साहब, आप चलो दरियापत यहाँ कर लो। हाँ, और बिगलांजनी की वो ना आई लेटरिन। अच्छा, शौचालय भी नहीं बना? नहीं बने हैं, और शौचालय बने वहाँ शौचालय कोई कत्तु ही ना है, वो कहा मतलब में गए, कहा मतलब में ही ना आएंगे। मेरा नाम राम सिंह। क्या ये शौचालय में सारी पिराइट लगी है? अच्छा, दो बोरी सीमेंट लगाते हैं कुल। मैंने भ्रष्टाचार यहाँ पे भी हो गया बहुत सारा पैसा ने फोड़ के देख लो, सारी पिराइट लगी हुई है। कोई सरकार में इंजीनियर देगा क्या लगा रहे है, बोल तुम कहीं चले जाओ ये पिराइट लगेगी। मतलब ये सब चीजें हैं यहाँ पे, दिक्कत है जिसको लेकर के, और यहाँ पे आप लोगों की शिकायतें हैं। क्या नाम है सर आपका? तारण सिंह। तारण सिंह। तारण सिंह जी यही रहते हैं? हम यही रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, कई 16-17 साल है। 16-17 साल हो गए। तो कुछ 5 साल में विकास किया है कि नहीं किया है? हुआ पर थोड़ा हुआ, क्या पूरे गांव में नहीं हुआ, पूरे गांव पानी की रास्ता ही परेशानी ज्यादा है, रास्ता ज्यादा खराब इस गांव की। अच्छा। गली ज्यादा खराब है, उसका कोई सुधार नहीं है, शिकायत करो कोई सुनता नहीं है, दो बार शिकायत करिए कोई सुनाई नहीं होती, तहसील दबसदा ही नहीं सुनाई भाई, रास्ता डर गई फिर खत्म हो गई। कोई जो पैसा आए इतने प्रधानों पैसा आए अपने माँ पे कह गए खत्म कर दी रास्ता। हम लोगों ने चाचे तरफ शिकायत दी, हमने रास्ता डरवाई वो भी खत्म कर दी, फिर द्वारा हमारी रास्ता पक्की नहीं हुई, कच्ची हुई डरी है, हम पैदल नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, आप देखिए घूम के पालना जाएगी। दिक्कतें यहाँ पे हैं, जैसे बिजली सड़क पानी में यदि कहा जाए तो जो सड़क है यहाँ पे, कहीं सीधे तौर पे सड़क को लेकर के लोगों की नाराजगी है, यहाँ सड़कें नहीं बनी है। पानी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पानी की किल्लत है, इस फिरोजाबाद सीट में यदि बात किया जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो पीने का पानी है उसकी कहीं सीधे तौर पे यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत है। और इसमें यहाँ पे एक वाटर प्लांट लगाया भी गया है तो गांव में उसकी सप्लाई यहाँ पे नहीं की गई है, इसलिए जनता भी कहीं सीधे तौर पे इस बात को लेकर के नाराज है। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 100 बेड की हॉस्पिटल की शुरुआत की गई थी, ट्रॉमा सेंटर भी बना हुआ है, ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अब तक पीने के पानी समेत कई दूसरी समस्याओं से यहां आने वाले मरीजों और तीमारदारों को दो चार होना पड़ता है। 5 साल 5 सवाल में अब हम पहुंचे हैं ट्रॉमा सेंटर। ये ट्रॉमा सेंटर अक्षय यादव ने बोला कि उनकी एक कार्यों में है और इन्होंने 5 साल में ये काम करवाया, यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं थे जिस वजह से इन्होंने यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बनाया, फिरोजाबाद में ये ट्रॉमा सेंटर दिया है उन्होंने। साथ ही सामने की तरफ एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी, वो भी उसमें भी उनके कथनी के अनुसार कि उन्होंने ही ये काम करवाया है, ये सारे के सारे काम यहाँ पे दिया गया है गांव वालों को, और जो यहाँ की जो लोकसभा के लोग हैं उन लोगों को ये सारी चीजें दी गई हैं। अब क्योंकि अब जनता से हम पूछेंगे कि आखिर में क्या ये कार्य अक्षय यादव द्वारा करवाया गया है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजा यादव है। ये अक्षय यादव जी के यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा दी है लोगों को, मरीजों के लिए,
और यहाँ बहुत बेहतर सुविधा भी यहाँ पर मिल रही है मरीजों के लिए। यहाँ पर सब तरह की सुविधा स्वास्थ्य के प्रति माननीय अखिलेश यादव जी के टाइम पर ये दी गई थी और आज बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है, बहुत सारी है। क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र वर्मा नाम है। मैं आपको बताऊँ, सुविधा बेशक सांसद ने दी है मगर सुविधा के नाम पर जिसको अगर कहा जाए तो जीरो है, क्योंकि डॉक्टरों का स्टाफ नहीं है। ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शेखर यादव है। है यहाँ पे काम है यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये बिल्डिंग बनवाई थी सपा सरकार में सांसद अच्छे यादव ने, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो कोई फैसिलिटी नहीं है। जहाँ तक देखा जाए अभी यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है आज के दौर में, बिल्कुल ही तो बहुत बड़ी समस्या है पानी की। गर्मियों के मौसम में तीमारदार आते हैं मरीजों के वगैरह है कि नहीं है? डॉक्टर का स्टाफ भी नहीं होता है कभी कभी। बहुत ही बढ़िया काम हुआ है वैसे, पानी की व्यवस्था सबसे खराब है यहाँ पे, पानी नहीं है शुद्ध यहाँ पे। मैं अभी क्योंकि मरीजों से जो लोग आए हुए हैं रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार आप लोग यहाँ पे आती आई हैं, आप लोग आई हुई है तो यहाँ सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं? है सुविधा है? यही रहती हैं आप लोग? नहीं यहाँ नहीं। कहाँ रहती हैं? सुकाबाद। शिकोहाबाद रहती है? अच्छा, शिकोहाबाद से यहाँ पे आप लोग आती है तो मतलब सुविधाएं हैं यहाँ पे? है सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती हैं? इमरजेंसी मिलती है जो घंटे दो घंटे के लिए। पहले यहाँ पे नहीं थी ये सब चीजें? नहीं पहले नहीं थी आपका, अब जा करके हुई है। तो ये जो कहा जाए एक सांसद के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, ये कार्य करवाया गया है यहाँ पे, और लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जो नाराजगी है लोगों की, जो नाराजगी देखने को मिल रही है वो सीधे तौर पे यहाँ जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो डॉक्टर होने चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लेकर के कहीं आम जनता यहाँ पे जरूर नाराज है। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद की पहचान रहा है, लेकिन बीते सालों में फिरोजाबाद की पहचान चूड़ी उद्योग अपनी चमक खोता जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि दावा किया गया था कि चूड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पीएनजी की उपलब्धता को आसान बनाया जाएगा, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई और सांसद अक्षय यादव ने व्यापारियों की कभी समस्याएं सुनने की कोशिश भी नहीं की। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। अब हम जब पांच सवाल में हम लोग जब आए हैं तो यहाँ पे चूड़ी उद्योग के बारे में जरूर पूछेंगे कि आखिर में क्या रहा चूड़ी उद्योग का, कैसा रहा पूरा का पूरा 5 साल, क्या यहाँ के सांसद ने कभी जो इनको दिक्कतें आती हैं उसके बारे में सुना या नहीं सुना, और अब क्या आप लोग कब से चूड़ी का व्यापार कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? ललिता जैन। हम लोग काफी समय से चूड़ी का व्यापार कर रहे हैं। कितने सालों से? हो गए 20-25 साल। 20-25 साल से। ये बताइए कि चूड़ी उद्योग, क्योंकि सबसे यदि फिरोजाबाद के बारे में बात किया जाएगा तो चूड़ी उद्योग के बारे में ही बात की जाती है, तो कुछ बदलाव हुआ 5 साल में, कुछ देखने को मिला या? नो डेवलपमेंट और नो लॉस, कोई बदलाव नहीं हुआ। रेटें बढ़ गई है वैसे, लेकिन न डेवलपमेंट हुआ है और न लॉस हुआ है कोई। हाँ। खाली इक्वल रहा है ऐसे। इक्वल रहा है ये पूरा, मतलब जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, वैसे ही कंटिन्यू है। क्या नाम है आपका? संजीव जैन। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि कुछ बदलाव हुआ क्या, कुछ ऐसा? मतलब महंगी होती चली काफी चूड़ियाँ, महंगी काफी होती चल रही है, गैस के रेट बढ़ रहे हैं हर साल, 10% गैस के रेट बढ़ जाते हैं, उसके बाद उसके अलावा सोडा वगैरह जो केमिकल यूज होते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री की रेट बढ़ती है, उसके अलावा फिर मार्केट में ये लोग बढ़ाते हैं, हम लोग खरीद के लाते हैं, तो महंगी तो काफी हो ही रही है चूड़ियाँ। महंगी होने से आप लोगों को भी काफी दिक्कत? हाँ, तो ग्राहक तो कहते ही है बहुत महंगी होती है, तो थोड़ा कम लेता है अगर ग्राहक अपने हिसाब से कम लेता है थोड़ा सा, लेकिन महंगी तो हो ही रही है चूड़ियाँ, महंगी होती है। अब लोगों ने कांच का ये कड़े डेवलपमेंट किए हैं, पहले ये जयपुर से बन के आते थे, अब हमने कांच के बनाए हैं अपने यहाँ, इसको ग्राहक काफी पसंद करते हैं। तो अपना सांसद वगैरह हैं, इनसे बात तो नहीं करते हैं कि जा करके कम से कम इसके बारे में बात करें? ये लोग तो व्यक्ति वालों से बात करते हैं ना, हम लोग तो ट्रेडर हैं, व्यक्ति वालों से बात करते हैं वो लोग, व्यक्ति वाली बात करते हैं उन लोगों से। जो ट्रेडर्स हैं उनको, क्योंकि ये लोग खुद खरीद करके फैक्ट्री वालों से आते हैं, अब हम लोग जरा व्यापारियों से बात करेंगे, जो मुख्य व्यापारी हैं, जो इसका पूरा का पूरा व्यापार करते हैं, उनसे आखिर में क्या क्या उन्हें दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी उन्हें प्रॉब्लम आती है ये पूरा का पूरा, क्योंकि चूड़ी उद्योग यदि कहा जाए तो फिरोजाबाद का मुख्य उद्योग यदि कहा जाए तो चूड़ी उद्योग ही है और इसी के नाम से ये प्रसिद्ध है। पीएनजी की कमी, चूड़ी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की कीमतें बढ़ने से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। आरोप है कि सांसद अक्षय यादव ने कभी व्यापारियों की समस्याओं को संसद में नहीं उठाया,
फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए मशहूर है और यहाँ पे पांच सवाल में हम जो चूड़ी उद्योग के व्यापारी हैं उनसे भी पूछेंगे कि आखिर में क्या यहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स ली गई, अब क्या व्यापार करना क्या सरल रहा, सांसद जी ने इनकी जो भी यदि परेशानियां रही उनको कहीं दूर किया कि नहीं किया, और अब क्या स्थिति है चूड़ी उद्योग की यहाँ पे। क्या नाम है आपका? पीके जिंदल। आपका चूड़ी उद्योग का कारखाना है? जी हाँ सर। कितने सालों से है इस उद्योग? जन्म से ही। अच्छा। हाँ। जन्म से ही शुरुआत? पैतृक है। अच्छा, पैतृक। मैं यही चीज पूछूंगा कि पांच साल में कुछ इसमें बदलाव देखने को मिला है क्या? चूड़ी उद्योग अब फ्लरिश कर रहा है कि यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम्स देखने को मिला था कई? चूड़ी उद्योग पिछले 7-8 साल से दिन ब दिन गिरावट पर है, और पिछले 5 साल की अगर बात करें तो ये बिल्कुल ऐसे स्तर पर पहुंच गया है कि शायद अगले 5 सालों में उद्योग मिलेगा ही नहीं। परिस्थितियां सरकार कुछ नहीं देखना चाहती, जहां तक सांसद की बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो कभी दर्शन भी नहीं दिए। क्या नाम है? हनुमान प्रसाद सर। तो चूड़ी उद्योग से ही? मैं यहाँ का जो एसोसिएशन है ग्रास इंडस्ट्री सिंडिकेट उसका डायरेक्टर हूँ और इस पर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। चूड़ी उद्योग में आने वाली परेशानियां विभिन्न प्रकार की हैं और उनके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे सबसे पहले अभी चर्चा की थी गैस का, इसके अलावा और भी बहुत सी परेशानियां हैं। जैसे यहाँ का लेबर है, लेबर को ये एक बिल्कुल नए तरीके से काम करता है जिससे उद्योग को चलाने में बहुत परेशानी होती है। नहीं, आप सांसद वगैरह से भी अपने, क्योंकि जनप्रतिनिधि से भी ये बातें की जाती हैं, सांसद जी बात वही उठाएंगे आपकी बात। सांसद जी जो हमारे यहाँ है वो कभी हमारे हम लोगों को संपर्क नहीं रहते, हम लोग संपर्क करते हैं तो मिलते नहीं है, मिलते हैं तो कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग एक बिल्कुल निराधार है, क्या अनाश्रित है, क्या करें क्या नहीं करें। और भी जो यहाँ व्यापारी हैं उनसे हम लोग पूछेंगे कि आखिर में क्या उद्योग में क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे आती है। आप लोग को उद्योग करते हैं आप लोग, तो दिक्कतें क्या क्या आती हैं? क्या आती हैं? नाम पहले। अनिल जैन नाम। अनिल जैन जी। क्या दिक्कतें क्या आती हैं? इसी तरह की छोटी छोटी कई दिक्कतें हैं। एक्चुअल में लागत बहुत ज्यादा होने की वजह से कांच की चूड़ी की डिमांड जो कम हो रही है उसकी वजह से ऑप्शन दूसरी चीजों के बहुत ज्यादा इससे कम रेट में और अच्छी चीजों में आते जा रहे हैं, और दिन पर दिन लेबर की तो रेट बढ़ ही रही है, साथ में जो नेचुरल गैस की जो हमारा मेन फ्यूल खर्च है उसकी तेजी की वजह से दिक्कत ज्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार अग्रवाल है और मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरा पारिवारिक व्यापार है चूड़ी निर्माण का, और जैसा कि मेरे भी साथियों ने बताया कि हम लोग नियम कायदे कानून तो सरकार के बनाए हुए जो कॉरपोरेट सेक्टर के उनका पालन करने के लिए हैं, लेकिन परंपरागत उद्योग है और मेरी जो वर्तमान सांसद है क्योंकि उनका तो समय पूर्ण हो चुका, आगामी जो सांसद उनसे मैं चाहूंगा कि हमारे उद्योग की कठिनाइयों को समझें और सरकार जो भी चुनी जाए उस सरकार के आगे रखें ताकि ये उद्योग बचा रहे। थोड़ा जो प्रचार होता है कभी टीवी माध्यम से जो है जब हाथों में बड़ी बड़ी छुड़ियां दिखाई देती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भूचाल आ गया और एकदम फैशन बढ़ जाती है तो फिर कुछ डिमांड बढ़ जाती है, और जब फिल्म क्लास पे आ जाती है फैशन में तो फिर चूड़ी की डिमांड खत्म। मतलब माना जाए कि चूड़ी उद्योग पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है। उतना सबसे बड़ी जरूरत है इसको कुछ ना कुछ तकनीकी इसमें उन्नति की जाए, और तकनीकी उन्नति कर पाने के लिए इंडस्ट्री अपने आप में सक्षम नहीं है। इंडस्ट्री अपने आप में सक्षम नहीं है। जो चूड़ी उद्योग के व्यापारी हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत, कई चीजें हैं जो सबसे बड़ी दिक्कत इनको आती है वो नेचुरल गैस को लेकर के है। दूसरी बात, क्योंकि उद्योग है तो जाहिर सी बात है सीधे तौर पर प्रदूषण, क्योंकि पास में ही ताज है उसको भी लेके कई संस्थाएं इनको कई बार चेक करती हैं, दिक्कतें आती हैं वहां पे। तो एक सीधे तौर पे कहा जाए कि जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो जनप्रतिनिधि के द्वारा भी सरकार के द्वारा भी नहीं लिया गया, इसलिए इनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन नवीन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, फिरोजाबाद।